देवरिया में भी हमारे संवाददाता विशाल मिश्रा ने एसपी श्रीपति मिश्रा से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के खास बात की है। नहीं, विश्व की नजर इस समय अयोध्या से अयोध्या मंदिर मुद्दे पर आने वाले फैसला को लेकर सबकी नजर है, जिस पर पूरा प्रदेश सरकार इस समय सभी जनपद के डीएम और एसपी को आदेश देकर के सतर्क रहने का निर्देश दे चुकी है। तैयारी पूरी हो रही है, तो देवरिया में भी काफी तैयारी की गई है, जिसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने के लिए मौजूद है जिले के एसपी डॉक्टर श्रीपत मिश्रा जी के पास कि क्या कैसी जानकारी है। हम बात करते हैं, फैसला आने वाला है 17 के पहले, उस पर क्या तैयारी है बताएं हमारे दर्शकों। ये अयोध्या मसले पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय निकट भविष्य में आना संभावित है, उसके दृष्टिगत शासन स्तर से डीजीपी महोदय के स्तर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग अधिक से अधिक बढ़ाई जाए, ग्राम सुरक्षा समितियों को पुनर्गठित किया जाए, शांति समितियों की लगातार बैठक की जाए, मीडिया को जो भी चीज़ें होती हैं समय से ब्रीफ किया जाए, जो अराजक तत्व हैं उन पर समय से कार्रवाई की जाए, जो पुलिस के सहयोगी लोग हैं उनसे सहयोग लिया जाए, और तमाम जो निर्देश शासन के हैं इस निर्देश के क्रम में हम लोग जनता से प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं। सर्वधर्म सम्मेलन अभी 2-3 दिन पहले बुलाया था, दूसरी बार हम लोगों ने, उसमें सारे लोगों ने एकजुट होकर ये कहा कि चाहे निर्णय जो भी आए, यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव हम हर तरीके से उच्च कोटि का बनाए रखेंगे, जो अराजक तत्व हैं उन पर हम नज़र रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर नज़र रख रहे हैं, और यह देवरिया की जनता को स्पष्ट रूप से हमने संदेश भी दिया है, आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ और पत्र में भी, समाचार पत्रों में भी मैंने इसे वक्तव्य जारी किया है कि अगर कोई अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे और किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसके खिलाफ कठोरतम जो विधि में व्यवस्था होगी उसके अधीन कार्रवाई होगी, और हम लोग चाहे NSA तक की कार्रवाई करनी पड़े उसे करने में जरा सा भी हिचकेंगे नहीं। आपको देखने को मिला, सुनने को मिला कि देवरिया की पुलिस कितनी सतर्क है, एसपी साहब का सीधा कहना है कि अराजक तत्वों पर नजर है, शासन के निर्देश अनुसार कार्य हो रहा है, अधिकारियों की मॉनिटरिंग हो रही है, और जो अराजक तत्व तो मिलेंगे उन पर अगर कार्रवाई करनी होगी तो NSA तक की कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और शांति में खलल नहीं डालने दिया जाएगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, R9 TV।